नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चरी में चुनाव के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवल निनामा को चुना गया है, जो कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं। आरपीडी न्यूज टीम ने अध्यक्ष नवल निनामा से खास मुलाकात की। मुलाकात में अध्यक्ष ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जिन किसानों को पहले लाभ नहीं मिल पाया है या सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, उन सभी किसानों को चरी ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से लाभ दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ समिति अध्यक्ष नवल निनामा की समिति वे किसानों के प्रति विचारों को। किशन सोलंकी, हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चरी के जो नव निर्वाचित अध्यक्ष बने अभी लैंप्स में, तो उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि जैसे कल यहाँ मतदान हुए हैं लैंप्स चरी के, तो उसके अंदर अभी जो पूर्व सरपंच है हमारे जैसे नवल जी निनामा, उनसे बातचीत करेंगे कि भी आपको जनता ने और यहाँ के किसानों ने चुना है। क्योंकि पहले अगर बात करें राजनीति की, तो पूर्व में यह सरपंच पद पर रह चुके हैं और अच्छा इनका कार्यकाल रहा है, तो इसके अंदर अभी बात करेंगे कि आपके क्या प्रयास रहेंगे किसानों के प्रति, जो आज ऋण के बारे में बात करें या खाद बीज के बारे में बात करें। तो आइए मिलते हैं जो न्यू चेयरमैन साहब है नवल जी निनामा, उनसे। चेयरमैन साहब नमस्कार। अभी आप वर्तमान में कल चुनाव हुए हैं चली लैंप्स के, उसके अंदर आपको अध्यक्ष बनाया आपके किसानों ने, जनता ने, तो इसके अंदर आपके क्या प्रयास रहेंगे लैंप्स के प्रति, किसानों के प्रति, इसको बढ़ोतरी देने में? ये जी, पहले मैं आप मीडिया से बधाई है आपका, हमारे लैंप्स चली में आपका स्वागत। बिल्कुल, पहला प्रयास तो मेरा ये रहेगा कि मैं उस अंश हूँ सबका साथ सबका विकास। पहली बात बिल्कुल, इसमें ये रहेगा मेरा कि मैं सभी को साथ लेकर के चलूंगा जी। और पूर्व में जी, जो कुशासित कार्य जिनके साथ था, मतलब हाथ से हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, उनका सारा सिस्टम में फ्लो करके आम जनता के सामने रखूंगा। बिल्कुल, और जिन जिन के साथ में जो इन्होंने जो भी गलत कर रखा है, उसके लिए मैं उसको फ्लो करके लोगों को बताऊंगा भी आपने लिया, उससे नहीं दिया, क्या करा, उस सारा सिस्टम अभी मैं शपथ ग्रहण के बाद में ही सारा सिस्टम में। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे बात करते हैं सब चेयरमैन साहब की, अपन यहाँ के किसानों की, और बात करें अपने किसानों खेती बाड़ी की, क्योंकि लैंप्स एक ऐसी कड़ी है जिससे किसान जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर क्या है? अभी बात करें जैसे ऋण की, तो आज जो ऋण है किसानों ने ले रखा है लैंप्स में, आज इसकी जो साक्षी माह एसटी ऋण की जो 1.5 लाख तक की है, इसके अंदर जमीन की डीएमआर के हिसाब से लोगों को किसी को 10,000, 20,000, 50,000, 30,000 लाख ऐसे मिल रहा है जो लोग, और अदर जो नेशनलाइज बैंक है वो किसानों को जैसे जमीने मॉर्गेज करके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक कर्ज देती है। अगर ये जो समिति है लैंप्स है, इसके अंदर बिना ब्याज का पैसा मिलता है, अगर यही किसान की जमीन मॉर्गेज करके और उसकी साख सीमा को बढ़ा दे, जैसे जरूरत के अनुसार किसी किसान को 2 लाख, 5 लाख की जरूरत है, उसके अनुसार अगर लोन दे किसानों को, तो वो दूसरे बैंकों से लुटेंगे नहीं, दूसरे बैंकों को उनको ब्याज भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कल ही जो स्वागत का कार्यक्रम रखा था, उसमें ये तय किया है कि जो भी किसान अपने यहाँ से अदर बैंकों में जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं आग्रह करके लैंप से जोड़ूंगा, और लैंप में जोड़ करके सबको इनके पिन कार्ड वगैरह होगी और आधार, ये मोबाइल नंबर, ये सब उसमें लिंक करवा करके इन सभी को यहाँ लैंप से जोड़ूंगा। तो उससे क्या है कि इनको ये फायदा रहेगा, एक तो 0% जैसे आप बता रहे हो, 0% पे ब्याज पे इनको ऋण मिल जाएगा, और एक स्थानीय जब चाहो जब जो पंचायत हेडक्वार्टर पे ये लैंप्स का जो बड़ा हुआ है कार्यालय, तो सारी सुविधा यहाँ मिलेगी, फिर वो बाहर जाने में भी इनको दिक्कत आती वो नहीं रहेगी, ये मेरी भावना है। बहुत अच्छा, और जैसे आपने देखा होगा चेयरमैन साहब कि आप भी यहाँ खेती करते हैं और आपके अनुभवी जो मैं ये सब खेती कर रहे हैं, इसके अंदर खाद बीज की बहुत बड़ी किल्लत चल रही है अभी, तो
क्योंकि डीएपी की बात करें, यूरिया की बात करें, बहुत ही ज्यादा किल्लत है। और लोगों को जैसे बात करें समितियों में, तो समितियों में खाद आ नहीं रहा है, समितियों को क्रफ्ट को इसको वो भी कंपनियां हैं जो खाद नहीं दे रही, और अदर जो मान लो प्राइवेट डीलर है उनके पास खाद होती है। किसान की एक मजबूरी होगी, जो 270 रुपए का यूरिया का बैग है वो किसान के लिए 400 में दिया जा रहा है किसान का, तो वहां भी किसान मार खा रहा है, किसान लूट रहा है। तो उसके बारे में आपके क्या प्रयास रहेंगे खाद बीज की? मेरा प्रयास ये रहेगा सर कि पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे रहते हुए किसान को खाद बीज के लिए इधर उधर नहीं भटकने दूंगा। क्योंकि पहले हमें अभी तक भी हमारे खुद के लेम्स में आज तक अभी हमने खाद न तो डीएपी मिला है न यूरिया मिला है, हमने आज भी 400 रुपए 450 रुपए तक यूरिया ला के डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। डीएपी का भी जैसे रेट से भी कहीं गुना 2019-1800 रुपए तक का भी हमने पैसा दे के डीएपी ला के, तो वो आज हमारे किसानों के खूब बड़ी छोट है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो मैं बिल्कुल राहत दिलाऊंगा, बिल्कुल एक भी चीज के लिए बाहर में जाने दूंगा, जैसे खाद है, बीज है, दवाई है, ये सारा सिस्टम सेट करेंगे। तो जैसे बात करें अपन राजनीति की, तो अपनी जैसे पार्टी पक्ष विचारधारा बताइए चेयरमैन सर। देखो मेरे लिए तो सबने मतदान दिया है। बिल्कुल। इसलिए मेरे लिए पार्टी नहीं रहेगी इसमें। मैं भले भारतीय जनता पार्टी का कहीं पदों पे निर्वाह कर चुका हूँ और सरपंच भी रहा, तो सरपंच के टाइम में मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं करी थी और इसमें भी मेरी पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने सब किसान मेरे हैं और मेरे को देख के उन्होंने वोट किया। पार्टी तो पार्टी की जगह पर समाज में तो हम एक जाजम पे बैठते हैं, इसलिए समाज में और हमारे जो क्षेत्र पड़ता है उसमें कोई पार्टी नहीं देख सकते, मैं सारा सिस्टम सबको साथ लेकर रहूंगा। बहुत ही अच्छा, यह है बहुत ही बड़ी देखने वाली चीज है कि जैसे बिल्कुल यह एक भाजपा ही कार्यकर्ता है और पार्टी पक्ष इनका विचारधारा जो वो है वो भाजपा की है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पीछे कार्यकाल में सरपंच पद पे भी रह चुके हैं, कई पद इनके पास रह चुके हैं, लेकिन इनका मानना यही है कि अगर जनप्रतिनिधि है और उसको जनता चुनती है किसी पद पे, उसके जीतने के बाद उसके विजय होने के बाद कोई पार्टी पक्ष नहीं होती है। पार्टी पक्ष अपनी एक निजी एक विचारधारा है, बाकी कोई पार्टी पक्ष नहीं है, जनता सब एक समान है और एक समान रख के ही मैं काम करूंगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीटीपी का हो, एक्सवाइजेड किसी भी पार्टी का हो, मेरे लिए सब एक समान है। और मुझे इनका मानना यही है कि मुझे अगर जनता ने कल जैसे यहाँ अध्यक्ष पद पे चुना है तो सभी का सपोर्ट रहा है, सभी का साथ रहा है, तो बहुत ही अच्छी एक विचारधारा है इनकी कि एक राजनेता होते हैं उनको पार्टी पक्ष करने में और फिर जनता में धरातल पे उनका नुकसान होता है, वो चीज इनके अंदर नहीं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मेरे लिए सब एक है, मुझे कोई पार्टी पक्ष से कोई मतलब नहीं है, मैं अगर जनता मुझे चुनती है किसी पद पे या चुना है तो मेरे लिए सब एक समान रहेगी। तो जैसे बात करें चेयरमैन साहब, अभी कल जैसे चुनाव हुए हैं तो आप अपनी जीत की श्रेय और आप अपने ग्रामवासी और पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी जीत का श्रेय तो समस्त वोटर और समस्त कार्यकर्ता और समस्त मेरे वरिष्ठ नेताजी हैं, जो भी मैं जिनके मार्गदर्शन में रह करके यहाँ तक आया हूँ, उनको सबको देता हूँ। बहुत ही अच्छा कि इनका जीत का श्रेय है जो एक जनता को और किसानों को दिया जा रहा है कि मेरे लिए सब कुछ यही है कि जनता ने चुना है, किसानों ने मुझे चुना है इस पद के लायक, तो मैं किसानों का आभारी हूँ। बहुत ही अच्छा, आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बिल्कुल।